YouTube पर क्रिकेट वीडियो कैसे अपलोड करें। सो हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि आप क्रिकेट की वीडियो आप YouTube चैनल के ऊपर कैसे अपलोड करेंगे। सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं कि उसको आप कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे वीडियो आप बना सकते हो, वीडियो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, और अगर आप सर्च करेंगे तो जूलो एडिट्स का चैनल है, तो इसको आपने सर्च कर लेना। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पर एक स्टेटस वाली वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, क्रिकेट पर वीडियो। तो इस तरह से आप वीडियो कैसे अपलोड करेंगे जिससे आपका कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आ जाए और कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आ जाए। तो मैं आपको रियल और लीगल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से यूट्यूबर ने आपको इस तरीके से बताया होगा, लेकिन अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो फिर से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और फिर से आपको कॉपीराइट क्लेम का मसला आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल और लीगल तरीके के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आप क्रिकेट वीडियो कैसे यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो जिससे आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और उससे आप अर्निंग भी कर सको और आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कोई कॉपीराइट क्लेम का मसला बिल्कुल भी नहीं आ जाए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेना, यानी कि आप उसको बना लेना। तो गाइज अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हो तो आप भी सीख जाओगे इस तरह की क्रिकेट वीडियो एडिटिंग सीखने में। तो चले गए, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब में जाने, फेसबुक में जाने, वेबसाइट में जाने, आपने जहाँ पर जाने वहाँ से आपने क्रिकेट हाईलाइट वीडियो को डाउनलोड करने। तो गाइज सबसे पहले आपको एक वीडियो एडिटिंग ऐप की जरूरत होगी, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं या आपका जो फेवरेट उसको आप यूज़ कर लेना, वीन एडिटर या काइन मास्टर, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज इसके लिए मैंने कैपकट ऐप को लिया है, तो मैं यहाँ पर कैपकट ऐप को ओपन करता हूँ। यहाँ पर ऊपर न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक करने। इस पर क्लिक करने के बाद आपने गैलरी में जाने और यहाँ से आपने जो हाईलाइट डाउनलोड किया यूट्यूब से या फेसबुक से, जहाँ से आपने डाउनलोड किया है, तो उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वीडियो है, मैंने यूट्यूब से इस हाईलाइट को डाउनलोड किया है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको हम कैसे एडिट करेंगे, तो सबसे पहले जो काम है यहाँ पर आपने क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले नीचे ऑप्शन को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको रेशो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 16:9 रेशो ऐड करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, तो नीचे आपने टिक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने इस नीचे वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको अपनी दोनों फिंगर की मर्जी कुछ स्टेप है, थोड़ा सा आपने इसको जूम आउट करना है, ठीक है, ताकि इसका रेशो पता ना चल सके उसको। तो यहाँ पर ऊपर आप वीडियो भी देख सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ, इसी तरीके से आप अपनी वीडियो कुछ स्टेप से क्रॉप कर लेना, थोड़ा सा आप इसको जूम आउट कर लेना, तो कुछ स्टेप से इसको आप एडजस्ट कर लेना। मैं जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ, आप स्लोली स्लोली इसको देखे और इस तरह से आप इसको बना लेना। तो गाइस इसके बाद आपने लोगो ऐड करने, तो नीचे ओवरले पर क्लिक करने, ऐड ओवरले पर क्लिक करने, और लोगो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स या पॉक्स स्पोर्ट्स की लोगो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या अपने सिंपल चैनल का लोगो ऐड करने। तो मैंने सिंपली एक चैनल का लोगो बनाया है, तो मैं इस लोगो को ऐड करता हूँ। नीचे आपको टिक ऐड का ऑप्शन है, तो आपने इसको ऐड करने, तो यहाँ पर ये हमारे साथ ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन को थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको क्रॉप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करने, फिर से अपने क्रॉप पर क्लिक करने और इसको आप अपने कुछ स्टेप से क्रॉप करने, जितना लोगो दिख रहा होगा तो उस हिसाब से इसको आप क्रॉप कर लेना। नीचे टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करने, तो यहाँ पर हमारे साथ वीडियो क्रॉप हो चुका है। तो इसको आप अपनी दोनों फिंगर की मदद से कुछ स्टेप से थोड़ा जूम इन करने, और यहाँ पर आपको राइट साइड में भी एडजस्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड में भी एडजस्ट कर सकते हो, ताकि उसको पता चल सके कि ये हमारे चैनल का ऑफिशियल वीडियो है। तो कुछ स्टेप से इसको आप एडजस्ट कर लेना, और इस लोगो का ड्यूरेशन आपने एंड तक एडजस्ट करना, जितना आपका वीडियो का लेंथ होगा तो इस हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ तक इसको ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको फिर से स्टार्ट में आता हूँ। स्टार्ट में आने के बाद आपने इस वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करने, नीचे ऑप्शन को स्क्रॉल करने, यहाँ पर आपको एडजस्ट का ऑप्शन देखा होगा, तो आपने एडजस्ट पर क्लिक करने, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा इस वीडियो का एडजस्टमेंट करने, तो आपने इस कंट्रास्ट पर क्लिक करने, इसको 5% तक यूज़ कर लेना, सिचुएशन को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और नेक्स्ट आपने शार्पन पर क्लिक करने, इसको आप 100% तक यूज़ कर लेना, ताकि आपकी वीडियो क्वालिटी बेस्ट हो जाए। इसके बाद आपको HSL का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करने, ऊपर ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करने और नीचे लाइन को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, ताकि इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन हो जाए। तो कुछ स्टेप्स इसको आप ऐड कर लेना। नीचे आपको टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करने, तो यहाँ पर हमारे वीडियो का एडजस्टमेंट भी हो चुका है। तो इसके बाद आपने मेन काम करने, जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से आप अपनी वीडियो को क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट में जाने, वीडियो को आपने थोड़ा सा प्ले करने, यहाँ पर वीडियो प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे बैट्समैन बॉल बैट से टच होता है, यहाँ पर बाउंड्री के लिए जाता है, तो वहाँ पर आपने आ जाने और यहाँ पर आपने वीडियो को स्प्लिट करने, और नीचे ऑप्शन को थोड़ा स्क्रॉल करने, यहाँ पर आपको लास्ट में एक्सट्रेट ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करने, तो यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा लोडिंग हो जाएगा। तो लोडिंग होने के बाद यहाँ पर नीचे आप इस वीडियो का साउंड नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हर 2 सेकंड के बाद आपने अपने वीडियो को स्प्लिट करना है। तो ये जैसे बॉल बैट से टच होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाता है, तो वहाँ पर आपने आ जाना है, वीडियो को आपने स्प्लिट करना है, फिर से आपने थोड़ा सा 1 सेकंड या 1.5 सेकंड या 2 सेकंड थोड़ा सा आगे आ जाना है,
फिर से वीडियो को स्प्लिट करने, और ये जो वीडियो का बीच वाला पार्ट है तो इसको यहाँ पर आप डिलीट कर लेना। थोड़ा सा फिर से आपने वीडियो को प्ले करने, 2 सेकंड आपने इस वीडियो को प्ले रखने, फिर से आपने इस वीडियो को स्प्लिट करने, और यहाँ पर आपको लगता है ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर ये जो बॉल बाउंड्री के लिए जाता है या बैट से बॉल टच होकर थोड़ा सा आगे आ जाता है, तो जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लगे तो उस पार्ट को यहाँ पर आप स्प्लिट कर लेना। तो मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ, आपने हर 2 सेकंड के बाद आपने अपना वीडियो को स्प्लिट करने, उससे आपने थोड़ा सा पार्ट आपको क्रॉप करना है यानी कि उसको आप डिलीट कर लेना है, और फिर से आपने वीडियो को कुछ स्टेप से 2 सेकंड रखने और उसके बाद फिर से आप कुछ उस तरीके से स्प्लिट कर लेना। तो आपने फिर से थोड़ा सा आगे जाने, फिर से वीडियो को स्प्लिट करने, और यहाँ पर आपने इस पार्ट के ऊपर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपने फिर से साउंड को एक्सट्रैक्ट करना है। नीचे साउंड आ चुका है, तो इस कमेंट्री को आप सही तरीके से उस पार्ट के ऊपर एडजस्ट कर लेना। जहाँ पर बैट का बीट वाला साउंड है तो उसके नीचे बीट का साउंड रख लेना। तो नीचे अपने वीडियो के साथ आपने सिर्फ कमेंट्री वाला साउंड रखना है। क्राउड का एक्स्ट्रा पार्ट आप डिलीट कर लेना साउंड का, और यहाँ पर जो कमेंट्री वाला साउंड है उसको आप नीचे ऐड कर लेना। जहाँ पर कमेंट्री ऐड है तो वहाँ पर साउंड का लेयर ऊपर गया है, तो कुछ स्टेप से इसको आपने मालूम करने और नीचे आपने अपने वीडियो के नीचे एडजस्ट करने। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं इसको क्रिएट करता हूँ ताकि मैं आपको वीडियो भी दिखा सकूँ, और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा। आप जाकर उस पर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और उस चैनल पर मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया कि हर 2 सेकंड के बाद आपने वीडियो को स्प्लिट करने और एक्स्ट्रा पार्ट को अपने डिलीट करने, तो कुछ स्टेप से इसको आप एडजस्ट कर लेना। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को और से देख लेना ताकि आपको पूरा तरीका समझ आ सके। तो नीचे आपको कमेंट करने, जहां पर आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो बना सको। तो गैस यहां पर आप रिप्ले के पार्ट भी ऐड कर सकते हो सही तरीके से। तो चले गैस यहां पर हमने पटपट इसको एडजस्ट कर लिया है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो ये हमारे साथ क्रिएट हो चुका है, तो यहां पर आप इसको मैं एक बार एक्सपोर्ट करता हूं ताकि मैं आपको वीडियो दिखा सकूं। तो चले गैस यहां पर हमारे साथ भी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुका है, तो ये जैसे कंप्लीट होगी तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो चले गैस यहां पर हमारे साथ वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, यहां पर मैं प्ले करके दिखाता हूं। तो इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल हाईलाइट की तरह लग रहा है। तो अगर आप हाईलाइट भी बनाना चाहते हो इस तरीके से बना सकते हो। आप व्हाट्सएप के लिए स्टेटस भी बना सकते हो और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। जिस तरह से आप क्रिकेट की वीडियो बना सकते हो तो आप कुछ इस ट्रिक की मदद से बना सको ताकि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। तो गाइस अगर यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो तो लाजमी बात हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को आपने लाइक करने, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगर आप अपने यूट्यूब के लिए बैनर बनाना चाहते हो तो उस चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर प्रोफेशनल बैनर भी क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय।